कोरोना के दौरान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों की समस्या को देखते हुए युवोदय एकेडमी के माध्यम से निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था का लाभ लेकर नीट जैसी कठिन परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर बच्चों ने सफलता प्राप्त की। युवोदय एकेडमी के माध्यम से कोचिंग लेकर सफलता प्राप्त करने वाले इन बच्चों को संसदीय सचिव रेखचंद जैन और बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने बधाई प्रेषित की है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के पढ़ई तुहर द्वार के अंतर्गत शिक्षा में नवाचार करते हुए स्कूली शिक्षा के साथ साथ कोचिंग की व्यवस्था सरकारी शिक्षकों के माध्यम से करवाकर कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा को रुकने नहीं दिया गया। इसी कड़ी में बस्तर कलेक्टर रजत बंसल के प्रयास से जरूरतमंद बच्चों के लिए निशुल्क कोचिंग लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय परिसर में युवोदय अकादमी के द्वारा प्रारंभ किया गया। सत्र 2020-21 में किए गए कार्य में 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाई गई थी। साथ ही आपको बता दें एनईईटी, जेईई, पीईटी, पीएटी, एनडीए, बीएससी, नर्सिंग के साथ ही एनटीएसई आदि परीक्षाओं की तैयारी ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में युवोदय अकादमी के द्वारा करवाई गई है। जो हमको मिला वो बहुत अच्छा मिला। टीचर्स का गाइडेंस भी काफ़ी अच्छा था जो हमको बहुत हेल्पफुल हुआ। और जो आखिरी में टेस्ट सीरीज भी हुए वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट थे, जिससे हमको बहुत अच्छा मार्क्स इंक्रीज करने के लिए मौका मिला। पहले तो जैसे ही हमारे सामने आता था कि मेडिकल की पढ़ाई या नीट के लिए प्रिपरेशन करना है तो कोटा का ही नाम आता था, लेकिन अब यहाँ पर भी हमको सुविधाएं मिल रही हैं जो कि काफ़ी बेहतर है और कोटा के से भी लगभग हमको वैसे ही मिल रही है। युवोदय अकेडमी से पढ़ी हूँ और बहुत हेल्प मिली हम लोगों को, क्योंकि कोविड के टाइम पे हम लोगों को ना डाउट्स बहुत रहते हैं और क्लियर करने वाला कोई नहीं रहता है, तो थैंक्स टू आवर टीचर हमको बहुत हेल्प कर रहे हैं वो। खुशी की बात ये है कोरोना काल में जब पूरे देश में पूरे विश्व में शिक्षा पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा था, उस समय पे हमारे कुछ शिक्षक साथी मिल करके इस एकेडमी को शुरुआत किए थे और ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से मटेरियल्स डेवलप करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे थे और उनको प्रशिक्षित कर रहे थे। और बहुत अच्छा परिणाम हमको अभी पहले चरण के जो रिजल्ट्स आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के उसमें देखने को मिला है। और इससे हमको ये इंकरेजमेंट मिला है, ये समझ में आया है कि बस्तर में यदि हम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराते हैं तो निश्चित रूप से जो बच्चे हैं उनको बेहतर सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। और आने वाले समय में कैसे हमको बस्तर के हर एक गांव को कवर करना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीधे गांव से निकल करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल हो सके, उसके लिए कार्ययोजना के लिए भी आज विधायक महोदय के साथ एक विस्तार में चर्चा हुई है। कलेक्टर बस्तर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनकी सोच बस्तर के बच्चों को आगे ले जाने की दिशा में जो युवोदय अकेडमी गठन किया है इसके माध्यम से बच्चे आगे आ रहे हैं। अभी जो नीट के एग्ज़ाम हुए इसमें 43 में 32 बच्चों का क्वालिफाई होना अपने बस्तर के लिए एक बहुत ही सौभाग्य और गौरव का विषय है। और युवोदय एकेडमी जिस तरीके से कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में काम कर रहा है ये मील का पत्थर साबित होगा। इस पूरी तैयारी को कराने में महत्वपूर्ण रोल अदा किए हैं उनको भी बहुत धन्यवाद साधुवाद कि बच्चों को और अच्छी पढ़ाई करने के लिए डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता है। तो मैं अपने विधायक निधि से ये घोषणा करता हूँ कि डिजिटल बोर्ड युवोदय एकेडमी को दे दिया जाए।